जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हमें इस समय हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर, या आता दिल्ली में है, इसके 5 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। देश का जो युवा है, जो नई जनरेशन है आजकल की, पढ़ने लिखने के बाद आज मैं एक ऐसे किसान के पास आया हूँ जो बहुत पढ़ा लिखा है, हाईटेक पढ़ाई की है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद अपने गाँव वापस आया। और वो राजीव दीक्षित जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उन्हीं के आधार पर पिछले 11 साल से खेती भी कर रहे हैं और उन्होंने गायों का काम भी किया। मतलब मैं एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो आज की तारीख में एक आदर्श है युवाओं का। उसके पास बिजनेस भी है, वो एक किसान भी है और वो एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति भी है। ऐसे लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो उसके बाद उनको देख के हज़ारों लोग बदलते हैं। ये दुनिया का नियम है। दुनिया में हज़ारों लोग बदलाव नहीं लाते, एक ही आदमी बदलाव लेके आता है, और एक आदमी को हज़ारों लोग फॉलो करके अपने अंदर बदलाव करके इस दुनिया का निर्माण करते हैं, नई दुनिया का। ऐसा सदियों से, युगों से होता आया है, अभी भी हो रहा है। तो आज हम उन्हीं के खेत पे आए हैं और मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। फिर और 2-3 वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। आज उन्होंने मेरे कहने से धान में कुछ एक्सपेरिमेंट किए इस साल, तो शुरुआत में तो आपको पता ही है, जैसे लोग आपको बोलते हैं कि यार बेवकूफ़ हो, लेकिन बाद में पता चलता है, जो लोग बोलते हैं यार ये क्या जादू हुआ, जादू कुछ नहीं है, हमारी कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताई हैं, शास्त्रों में हैं, हमारे ऋषि मुनि इतनी चीज़ें बता के गए हैं। और उसके अलावा जो आज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, देखिए पहला जो किसान था वो किसान के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ना उसके पास बाहर की कोई नॉलेज थी। आज हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास गूगल है, हम जिस चाहे उस देश की खेती कैसे हो रही है देख सकते हैं। इटली में धान कैसे होता है, नेपाल में धान कैसे होता है, पहले ये सुविधाएँ नहीं थी। पहले हमारे गाँव में जो चल रहा है बस वहीं गाँव में एक आध आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता था और उसी को सब मान के करते थे, उन्होंने सही बोला या गलत उन्हीं के पीछे सब चलते थे। तो अपना दिमाग लगाना भी चाहे तो पहले लोग लगाने देते थे, आज हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी अपने हिसाब से बुद्धि का प्रयोग करके अपनी खेती को बेहतर और बेहतर और बेहतर कर रहा है। लेकिन कई बार इस बेहतर करने के चक्कर में आप खेती को ख़राब भी कर लेते हो, रासायनिक फर्टिलाइज़र बिना ज्ञान के डाले और उसके बाद हो गया काम। इसके लिए आपने क्या करना है, 7017414671 7017414671 7744308799, ये 2 नंबर मेरे हैं। कभी भी मैसेज करो, कभी भी कॉल करो, आपके धान की फसल में, चने की फसल में, मक्का की फसल में, केले की फसल में, गन्ने की फसल में कोई भी समस्या हो, हम निशुल्क बिना पैसा लिए पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लगभग 7 कंट्रीज में सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, और इसका कोई शुल्क नहीं है। आजीवन आप फ़ोन करो, आपकी समस्या का समाधान। अब अगर आप इस सेवा का भी लाभ नहीं उठा पाएँ तो ये सोचने वाला विषय है आपके लिए, ना कि मेरे लिए। मैंने तो एक कुआं बना दिया है, जिसको प्यास लगे आके पानी पी लो, इस कुएं का कोई चार्ज नहीं। अब आप थोड़ी दूर बैठ के प्यासे बैठे रहे हो तो भाई साहब कुआं चल के तो जाने वाला है नहीं, ये पुरानी कहावत है। आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ भैया से। राम राम जी। नमस्कार राहुल भाई, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम जी वीरेंद्र लोचब है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली देहात, मेरा गाँव ऊचंदी है, और यहाँ पे जो है राहुल भाई आए हुए हैं और हम खेती करते हैं, साथ में जो है बिजनेस भी अपनाते हैं, सरसों के तेल मिल का काम है। वीरेंद्र भाई, ये गड्ढा जो बनाया हुआ है ये क्या है? ये खड्डा भाई साहब, इसमें गोबर गैस का जो है सलरी तैयार करने के लिए बनाया है। अच्छा। और इसमें लगभग 1 ट्रॉली गोबर का खाद है। बहुत बढ़िया। और इसमें ये अपनी टंकी है 2200 लीटर, इसमें बैक्टीरिया गोकर पामृतम। इसमें तो कुछ चल भी रहा, मोटर जैसा कुछ है। हाँ, इसमें हमने ये फिश पंप लगा रखा है, ये अंदर जो है जी, ये इसमें फिश पंप लगा रखा है, ये इसमें ऑक्सीजन हवा देता रहे है। अच्छा, तो इससे उसमें घोलने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। एक सेकंड जाएगा ये, तुम्हारी हाइट अच्छी, जरा ऐसे नीचे दिखाओ तो क्या है इसमें? ये इसमें देखो हवा ऐसे बुलबुले से आते रहेंगे, जिससे इसके अंदर जो है ऑक्सीजन जाती रहेगी, तो आपको बार बार वो घोलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, बढ़िया। और इससे ये तैयार हो जाएगा। इसको बनाते कैसे हो? ये इसमें जी कोई ये बैक्टीरिया निःशुल्क दे रहे हैं गोपाल। अच्छा। भाई सुतारी, और उससे आप फिर कितना भी बनाते चले जाओ। और इसमें 2 किलो गुड़, 200 लीटर पानी और 2 लीटर छाछ, इसमें आप बना गए 1 हफ्ते में ही तैयार हो जाता है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका रिजल्ट अगर आप अकेले डालोगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने और ज्यादा बूस्ट करना है तो जैसे हमने कराया ये छोटे लेवल पे भी हो सकता है, जैसे 10-20 किलो गोबर और वो बनाकर सलरी बना सकते हैं। लेकिन जी हमने बड़े लेवल पे कराया, अपना ये खड्डा है, इसमें 20-25 क्विंटल गोबर डाल के और इसको छोड़ दिया था, इसमें बैक्टीरिया और पानी डाल के। बहुत। और इसकी लाजवाब चीज ये है कि मैंने शुरुआत में 2-3 दिन इसको घोलने की कोशिश करी कि मैं इसको घोल दूं, घुला नहीं, लेकिन इसमें मैंने
एक महीने तक ये देखा कि हर रोज गोबर ऊपर आ जाता है फिर नीचे चला, जो बैक्टीरिया है ना वो खुद ही अपना काम करते हैं। इसके चक्कर में जामन का भी भला हो गया, इसने पत्ते फेंक गई। हाँ जी बिल्कुल, जो है अब ये पूरा न्यूट्रिशन ले रहा होगा इससे। इसमें मैंने इसका दान में दिया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं तो भारत के हर एक किसान को ये कहना चाहता हूँ कि जी ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जो भी कर रहे हो वो करो, लेकिन साथ में अगर आप ये दोगे तो आपकी जान बढ़ जाएगी। जैसे आप मतलब रसायन से वापस आने के लिए जमीन में जान तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, सीधी सी बात है, जमीन में जान, अभी जान की कमी है और ये ऐसी चीज है कि जो बिना साइड इफेक्ट के आपकी जमीन को ताकत देगी। अच्छा ये इधर आते हैं अभी, ये है अपना केले का खेत, ये कब का प्लांटेशन है वीरेंद्र भाई? ये जी 11 जुलाई का है। 11 जुलाई। और ये दूरी क्या रखी है आपने इसकी? ये 5-8 है। 11 जुलाई, ये दिखाना भैया थोड़ा सा क्लोज से, ये वाला है। बहुत बढ़िया आपका पौधा चला। 11 जुलाई मतलब कितने दिन हो गए इसको भी लगे हुए? स्टॉप करके रखना इसमें थोड़ी देर में। ये हो गए जी लगभग 25-26 दिन हो गए। 25-26 दिन का पौधा है ये, मतलब एक महीना कंप्लीट हुआ नहीं है। और इधर की तरफ हम चलेंगे, एक सेकंड भैया जी मैं ले लूँ। ये देखिए, ये वीरेंद्र भाई ने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था, बहुत शानदार ग्रोथ है इसकी, एक नंबर। अभी इसमें हम क्या करेंगे वीरेंद्र भाई? हाँ जी, जैसे उस तरफ हम कह रहे थे, इसका बेड थोड़ा चौड़ा करेंगे। ये जो होता है ना, ये बहुत शानदार। देखो ये मेहनत किसान की दिखती है, ये पकड़िएगा भैया। देखो अभी क्या है, ये जो लाल सा निशान है, बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया, ज़्यादातर को नहीं पता होगा कि लाल क्यों फेंक रहा है। हाँ जी, ये जीन के करेक्टर है जीन्स बदलने का। मतलब अगर इसमें लाल रंग का निशान आया तो इसका मतलब है कि इसने इस मिट्टी को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी, और अब ये इस मिट्टी के साथ पूरा कॉम्बिनेशन बना करके इसको अपना घर समझ के चलने लगा। अगर ये जीन्स इतना बड़ा नर्सरी में हो जाए किसी वजह से, तो फिर आपके खेत में अच्छा नहीं चलेगा। ये ठीक ऐसे ही है जैसे बच्चा, अगर हम छोटे 6 महीने के अंदर अंदर के बच्चे को ले आएं तो वो हमें मम्मी पापा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वही 6 साल के बच्चे को लेके आएं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी, उसको पता है मेरे मम्मी पापा नहीं है, भले ही वो बोलना शुरू कर दे। वैसे इससे पौधे का भी होता है, और शुरू के 3 महीने आपका पौधा जैसा चलेगा वही निर्भर करेगा इस पौधे पर फल कैसा आएगा, ये निश्चित रूप से गारंटेड बात है। तो पौधे के जो जीन्स हार्मोन जितना भी शुरू होता है वो शुरू में ही चेंज होता है। इसमें अभी तक हमने क्या क्या किया है? इसमें जी हमने जो है राहुल भाई की जितनी भी गाइडेंस है वो सारी ड्रिंचिंग और स्प्रे, वो पूरा शेड्यूल मैंने फॉलो किया है पूरे दिन के हिसाब से, जैसे राहुल भाई ने कही है, कोई भी एक दिन की चूक नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो भी छाता लेकर ड्रिंचिंग कर देंगे, लेकिन काम पूरा करेंगे। इसमें ड्रिंचिंग किस किस चीज की करी हमने मोस्टली? इसमें जी केड़ा गुरु की ड्रिंचिंग करी है, और जो कुछ खाद थे जो उनकी करी है, इसमें केड़ा गुरु की साथ में मिलाकर ड्रिंचिंग करी है। इसमें हम वो और करेंगे अभी सरसों वाला। हाँ जी, सरसों खली वाला जो मैं बताता हूँ वो बड़ा जबरदस्त, उसका धान में भी आपका रिजल्ट आया बता रहे थे। उसमें धान में मैंने डाला था, धान में काफी अच्छा रिजल्ट है, बाकी आपके शेड्यूल से बाहर हम जाते नहीं जितना आप कहते नहीं। उसमें क्या है कि 1 साल आपको सीखने की जरूरत है, अगले साल से तो आप खुद ही मास्टर बन जाओगे। और मैं भी चाहूंगा वीरेंद्र मुझे फोन ना करके लोगों को ज्यादा बताए, और लोग मुझे फोन करके कहें जी आपके एक मित्र हैं वीरेंद्र जी, हमें तो वो गाइड करना, बड़ी खुशी होती है अंदर से यार चलो मेरा भार थोड़ा कम हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे राज्य हो गए, इस दायरा बढ़ते जा रहा है। अब जैसे हरियाणा में लोगों के अंदर एक बात तो है जो मैंने देखी, हरियाणा पंजाब में मतलब करंट है लोगों के अंदर काम करने का, बस उनको एक मार्गदर्शन वाला देने वाला सही होना चाहिए। देखो समस्या क्या है पता है, हमारे यहाँ यूट्यूब पर ज्ञान बहुत है, 1000 चैनल मिल जाएंगे कम से कम खेती के। मैं लोगों को ये बोलता हूँ भैया आप एक काम करो, ये चैनल से बाहर आओ, मतलब चैनल रखो, ज्ञान दो, जो ज्ञान आप बोल के दे रहे हो इस ज्ञान को खेतों में प्रैक्टिकल करवाने के लिए स्वयं खेतों किसान के साथ खड़े हो। एक तो अपना मोबाइल नंबर दो, देने के साथ साथ उसको उठाओ भी, और उठाने के साथ साथ किसान का रिप्लाई भी दो। अगर व्हाट्सएप पे मैंने आपको फसल भेज दी तो फिर आपको मेरा रिप्लाई देना ही चाहिए, या तो आप मुझे फिर नंबर मत दो। हो क्या रहा है कि हमने वीडियो बनाई और कहानी खत्म, अब आपको जो सीखना है सीख लो, नहीं सीखना मत सीखो। ज़्यादातर किसान उसमें नुकसान कर जाता है, क्योंकि आपने तो बता दिया कॉमन पूरी इंडिया के लिए, अब वीरेंद्र भाई इसमें आपके हरियाणा की मिट्टी अलग है, मेरी मिट्टी अलग है, मतलब हर 50 किलोमीटर में मिट्टी चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, पानी का TDS चेंज होता है, जमीन का PH अलग अलग है, EC अलग अलग है, कार्बन लेवल अलग अलग है,
वातावरण अलग अलग है, इतनी सारी चीज़ों में आप एक चीज़ मतलब समान नहीं कर सकते, ये गड़बड़ करेगी। तो मैं यही बोलता हूँ लोगों को कि आप यूट्यूब से बाहर आओ, थोड़ा आओ इधर निकलो, थोड़ी तो कोशिश करो। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते फाइनेंशियली, भाई हर आदमी इतना मजबूत नहीं होता है कि फाइनेंशियली लोगों के खेत में जा सके। अपने क्षेत्र में तो शुरुआत तो करो। देखो, आप एक किसान को सिखाएंगे ना, उसको बोलो तू पाँच को सिखा, वो पाँच को तो नहीं सिखाएगा लेकिन दो को ज़रूर सिखाएगा, वो दो चार को, ये ऐसे ही बढ़ेगा। हम सब लोग मिलकर पूरे भारत की किस्मत बदल सकते हैं अगर चाहें तो। देखो, किसान का कोई है नहीं यार, ये बात बड़ी कड़वी है। बिल्कुल, जो है कोई नहीं है किसान का, हर आदमी किसान के नाम पे दुकान चलाने बैठा है। यही बात मैं जोड़ना चाह रहा था साथ में भाई साहब, ऐसा आज का समय ऐसा है कि किसान कुछ करना चाहता आगे, जैसे मैं भी हूँ, तो हम अगर किसी से गाइडेंस लेते हैं या कोई भी बात करते हैं ना, तो आखिर में कितनी भी आप अच्छी अच्छी बातें कर लो, आखिर में वो बात आ जाएगी कि भाई आप ये सामान ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, फिर मन में ये हो जाता है कि भाई ये अपने लालच में है, ये हमारी जमीन को नहीं सुधारेगा, बिल्कुल ये अपने घर की स्थिति को सुधार रहा है, और फिर वापस हट जाते हैं। लेकिन मैं 1.5-2 साल से राहुल भाई के साथ जुड़े हुए हूँ, और इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि आज तक इन कोई भी लालच नहीं है, मेरे घर पर आए थे, अपने खर्चे तो आए हैं, अपनी गाड़ी ओला करके आए, अपना तेल फूक आए हैं, सेवाए हमारी ये है कि ये सेवा कर रहे हैं, और इसी वजह से इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं यूट्यूब के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ भाई, जो भी सुन रहे हो, इनका कोई अपना लालच नहीं है, और जो देश सेवा कर रहे हैं उनके साथ तो जरूर होना चाहिए, इनसे सीख कर हम आगे करेंगे, ये बात आगे फैलेगी तो ही फायदा होगा, देश सुधरेगा, नहीं तो अपनी अपनी दुकान चलाने वाले में तो भाई खेती का नुकसान है, किसान का नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। धीरे धीरे उन दुकान वालों का भी नुकसान है, उनके पास को जाना बंद कर देगा, क्योंकि पता है वहाँ जाकर लुटेंगे तो कौन जाएगा वहाँ पे, अपना जो है लुटता घर पे ही रहे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, फील्ड में जो है राहुल भाई जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जो ये चीज़ लेकर आया, जैसे केला गुरु बनाया हम लोगों ने, ये उनके लिए है जो आदमी फिजिकली खेत में मेहनत नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, आपको मैंने कहा कि भाई साहब सरसों की खल लेके आओ, कंडे लेके आओ, थोड़ा सा सेंधा नमक लेके आओ, 1 किलो गुड़ लाओ, इसको मिला के 5 दिन रख दो, उसकी ड्रिंचिंग करो। अब ये प्रैक्टिकली 100 में से 5 आदमी करेंगे, ये कड़वा सच है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक दो बार करने में बहुत अच्छा लगेगा, तीसरी बार बोलोगे यार कहाँ फंसा दिया भाई, इतना मेरे बस का नहीं है। फिर आप धीरे से मुझसे पूछोगे, अब आप मुझसे इसलिए नहीं पूछोगे क्योंकि मैं तो बात ही नहीं करता प्रोडक्ट की, एकदम खिलाफ हूँ। अब आप क्या करोगे, चुपचाप मुझे बिना बताए दुकान पे जाओ और दुकान वाले से कहोगे कि यार ये हमारी स्थिति है, थोड़ा बता, वो आपको एक की जगह में 4 शीशियाँ देगा। एक राजीव चौधरी जी हैं रामपुर के, टांडा के, उनके साथ ये घटना हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो हालांकि मेरे से पहले जुड़े हुए नहीं थे, घटना के बाद मेरे साथ आए, तो उनको 4 शीशियाँ देगा एक की जगह में, मैंने खुद दुकान पर जाके देखा, एक की जगह में 4 शीशियाँ पकड़ाते हुए। डोज 1 ml 1.5 ml की है कंपनी की रिकमेंडेड, आप बता रहे हो किसान को 5 ml, तो यार उसकी खेती गड़बड़ होनी है। प्रोडक्ट गलत नहीं होते कभी भी किसी के भी, लेकिन क्या मुझे वो यूज़ करने हैं, क्या मेरा काम उनसे चल रहा है, नहीं चल रहा तो प्रयोग करो ना यार, कौन मना कर रहा है, अगर चल रहा है तो फिर मत करो, ठीक है। तो हम जो ये चीज़ निकाल के लाए कि भाई अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये कर लो। केला गुरु में क्या है, ये बेसिक ट्रीटमेंट है आपके पौधे का। अगर हमारी जमीन का कार्बन, देखो जिस किसान की जमीन का कार्बन 1 से ऊपर है उसको केला गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेना भी मत, पैसे खराब मत करना बिल्कुल भी। अब कोई किसान मुझसे कहे कि भैया केला गुरु तो नहीं लेना, लेकिन केला गुरु के बदले में मैं अपने आप क्या बना सकता हूँ, तो केला गुरु का 1 एकड़ का खर्च आएगा 1200, और लगभग 1200 रुपये खर्च हो जाएंगे भैया तुम्हारे ऑर्गेनिक में। नहीं तो हिसाब जोड़ लो, 20 किलो सरसों की खल, उसके साथ में चूना, उसके साथ में नमक, एक बार तो ये हो गया, अगली बार सरसों की खल के साथ में कंडे आएंगे, सेंधा नमक आएगा, उसके अगली बार में फिटकरी आएगी, अलग अलग तरीके की चीज़ें आएंगी, तो ये सब गुड़ का खर्च भी आएगा। फिर उसके बाद हमें ये अपना डीकम्पोजर या अपना गोकर्मा अमृत के साथ 5 किलो हम लेंगे अपना गुड़, उसके साथ में कच्चा गोबर, कच्चे गोबर के साथ में फिर उसके अंदर हम डालेंगे जो है सरसों की खली थोड़ी सी 5 किलो, ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स बना बना के देंगे, चावल का मान डालेंगे, तो ये काम करने में क्या पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा खर्च होगा। तो मकसद ये है कि अगर मेरी ज़मीन का कार्बन 1 महीने बढ़ा लिया, थोड़ा मिश्रित खेती, मिश्रित खेती के साथ बढ़ते बढ़ते मेरा कार्बन जहाँ 1 हो गया, उसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग धीरे धीरे बढ़ो आगे, हमारे साथ बढ़ो, हम जो भी चीज़ आपको बताते हैं एकदम रिकमेंडेड है। बहुत बहुत दो 3-3 साल हो गए किसानों को मेरे साथ काम करते हुए, मैं कभी डायरेक्ट उनको प्रोडक्ट की बात नहीं करता किसी भी। अच्छा, एक और बात है,
प्रोडक्ट देने के बाद भी होता क्या है कि जैसे आपने मेरा सामान खरीद लिया, बस सामान खरीद लिया, कहानी खत्म हो गई, अब उसके बाद फोन उठाने की दोस्ती खत्म, उठाएगा ही नहीं बंदा, कहेगा यार बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, कल बात, लास्ट में आप खुद ही कह दोगे यार छोड़ो कोई बात नहीं, पौधा दिया उसके बाद गायब हो गए। हम लोग पहले ऐसी संस्था हैं जो पौधा देने के बाद आपके खेत में भी खड़े हैं, आपके साथ भी खड़े हैं, प्रोडक्ट को ये भी पूछ रहे हैं भैया रिजल्ट कैसा आया, आपको क्या लगा कि लगो जो दिया 1200 रुपये वसूल हुआ है खराब गए, सच बताना। अरे बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आप जो हमें तो वैसे केला पहली बार लगाया है, लेकिन आप खुद देख सकते हो, वीडियो तो देखते होंगे लोगों की। हाँ जी बिल्कुल, ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, और केला गुरु का रिजल्ट भी काफी अच्छा केले में। 600 रुपये कितना रुपए बिघा हो गया ये? 1200 रुपए बीघे का खर्चा है, मतलब अगर हमारे यहाँ पे 5 बीघा होता है जैसे, इतना सस्ता जुगाड़ तो सरसों के खल से भी लगभग उसके आसपास का है, 5 किलो सरसों के खल भी लोगे ना तो 30 रुपए किलो है। हाँ जी 30×5=150 रुपए के सरसों के खल होगी, 2 किलो 80 रुपए का, तो ये तो उससे ऊपर पहुंच गया। और सिंधा नमक अभी इसमें ऐड नहीं करा, सिंधा नमक मैं लाता हूँ घर में खाने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से 80 रुपए किलो है, अगर वो 250 ग्राम भी डालोगे 15-20 रुपए का, तो खर्च ऊपर चला गया, और ये प्योर जो है ऑर्गेनिक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड खेती को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन मेरे पास मास्टर भी हैं, मेरे पास व्यवसायी भी हैं, मेरे पास पुलिस वाले भी हैं, मेरे पास आर्मी वाले भी हैं, अब उनके खेत में वो लोग आके प्रॉपर तरीके से उतना काम नहीं कर सकते जितना हम करवाना चाह रहे हैं किसान को। तो किसान भाग ना जाए दुकान पे, उसको रोकने के लिए हम ये उसके बदले में ये चीज़ें निकाल के लाए जो पौधे के लिए भी अच्छी हो, प्रकृति के लिए भी अच्छी हो, जमीन के लिए भी अच्छी हो, और किसान जो उसको यूज करे उसके शरीर में भी वो जहर ना फैलाए। तो आप लोग आइए किसान कार्यशाला के साथ, निःशुल्क सेवाएं हैं। अच्छा वीरेंद्र भाई, हम वो बेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भैया का भी वो करा देता हूँ परिचय आपको। नमस्ते भैया। नमस्ते, आपका पूरा परिचय? मैं मोहित, और हम यही इसी गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब ये दूसरा साल चल गया है जी वीरेंद्र भाई के मार्गदर्शक से, कुछ मार्गदर्शन नहीं भाई साहब, मैं करवाता हूँ परिचय। जो ये भाई साहब ऐसा काम कर रहे हैं जो आज के टाइम पे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये यहाँ पे लीज पे जमीन लेकर ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं, और यहाँ पे हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, औरों को उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जहर जो सब्जी। आप मेरे बहुत काम के आदमी हो, मैं आपको आज ऐसे ऐसे नुस्खे बता के जाऊंगा जो कभी किसी ने जिंदगी में नहीं बताया। मेरी वीडियो देखते कभी? जी जी। अनाज जो है भाई साहब, अनाज तो हम फिर भी खा लेते उगा गए, सब्जी सब नहीं उगा पाते, तो ये भाई साहब सब्जी उगा के उपलब्ध करें। मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमारे घर का उपकार हो गया, हम इनके घर से ही खेत से ही सब्जी खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, पता है ये बिजनेस है यार, लोग समझते नहीं इसको, इससे बड़ा धंधा क्या है। अभी वीरेंद्र ने कर रखा है, वीरेंद्र बिजनेस मैन है टॉप, तेल का सेलर है, केला भी लगा रहा है, और भी चीजें, ये बिजनेस ही तो है। ये धान में वीरेंद्र ने वो मारा मेरे कहने से, पाटा लगाया, टिलिंग बढ़ गई, तो टिलिंग में अगर ज्यादा भी नहीं, अगर मैं मान लो 4 कल्ले भी एक उसमें बढ़ गए, तो 4 साल के हिसाब से कितना धान बढ़ा। बिल्कुल, तो ये धंधा ही तो है, बिजनेस तो है, और हम तो किसान है, हमारा तो बिजनेस यही है, बनियों का बिजनेस दुकान है, हमारा बिजनेस खेती है। और एक बात याद रखो, सबके बिजनेस बंद हो जाएंगे, जब तक आदमी जिएगा नोट नहीं खा सकता, खाएगा खाना ही, तो पेट पर कब्जा रखो, दुनिया तुम्हारी है। पर किसान जो है भ्रमित हो रहा है, दवाइयों का चक्कर, भाई साहब इतने जहर मार रहे हैं लोग के पूछो मत ना, हालत खराब है। मैं भैया का परिचय करा दूं। नमस्ते जी। मैं संजल होता हूँ, संधि गांव से हूँ, और जैसे वीरेंद्र छोटा भाई है मेरा। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा, तो मतलब वहाँ से कहाँ से किया लेकर अभी, तो ये हमारे यहाँ से आया, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आया है जी। और जैसे आप भी आप यहाँ पे आए हो देखने के लिए जी, तो बहुत अच्छा लगा, ये भी थोड़ा गाइड और करिए इसको जी। मैं तो भैया जी, आप अगर यूट्यूब पे किसान कार्यशाला एक चैनल है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी चली हुई है, और मोस्टली 25 दिन का पौधा ऐसा होता नहीं है, 20-25 दिन का होगा, बाकी मात्र रहता हूँ यहाँ पर देखने के लिए जी, तो काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है, और गाले नहीं गाएगा। हम तो ऐसे खड़े जी जैसे सगा भाई खड़ा हो, हमारे सपोर्ट तो इतने, किसान परेशान हो जाए हमसे, और जो भी कुछ भी हमारे को बताइए, जो भी है कि भी हमने क्या करना चाहिए आगे। जी जी, मैं भी अपना छोटा मोटा करता रहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको सारी ऐसी चीजें बता के जाऊंगा। देखो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो आपको दो चीजें बताता हूँ भैया, ये ऑर्गेनिक है, ये रासायनिक है, जो तरह मन करे उधर चले जाओ, बाकी मैं आपकी यूट्यूब वगैरह देखता रहता हूँ। जी जी जी, केले की बहुत सारी देखी जी जी जी, तो जी कई बार वीरेंद्र को बताते रहता हूँ ये। जी जी, बोले कहाँ देखी, मैं देखता रहता हूँ, जो भी बहुत सारी चीजें। जी 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 जी, कई बार तो प्रकृति की देन ऐसी हमारे पास में, हम उसको यूज ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल, उससे हम भाग रहे हैं बिल्कुल, उसके तो
उससे तो बच बच के भाग रहे हैं। हम जो बड़ी बड़ाई चीजें खाते हैं ना जी, उसी पे ज्यादा वो करते हैं, मेहनत तो करवा ही नहीं चाहते। हाँ, दिक्कत यही है, बाकी यही मेरा कहना यही है। बाकी आप एक अच्छी सी गाइडेंस दीजिए जी, तो जी। जैसे हम जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको, जैसे हमारे पास ना आप हमारे 20 माह हो जी जी जी, तो और हम भी मैं चाहूंगा अगली बार 10 के 20 हो जाएं किसान और भी बढ़े जी। और हमारा आपस में एक काफी अच्छा मेल जोल बढ़े और काफी आगे जाए जी जी। मोहित जी है जी, तो पहले यहाँ पर जमीन ली थी, जमीन लेके अभी काफी अच्छा। नहीं, वीरेंद्र जो है काफी तारीफ कर रहे थे कल उनकी, मैं बोला यार ऐसे लोगों से मिलवाओ। तो काफी अच्छा होकर चला हुआ है जी। बाकी आप भी थोड़ा ना एक अच्छी तरह वो करिए, यहाँ पे सब वो अच्छी गाइडेंस दीजिए कि भी क्या करना चाहिए क्या वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? हो गया इनका तो हो गया। अभी मैं अपने एक और मित्र हैं, मेरे मित्र भी हैं और साथ में किसान भी हैं, फॉलोअर भी हैं, मैं उनका परिचय करवाता हूँ। राम राम जी। राम राम भाई साहब, मेरा नाम मनीष है जी। हमारी बात शायद हुई है ना, हमारी बात आपकी बात मेरे से होती रहती है। हाँ हाँ, आज चेहरा कम देखा ना आपने, मैं दो साल से हमारी बात होती रहती है। अरे वाह, आपके बारे में कल वीरेंद्र जी बता रहे थे, आपसे मेरी फोन पे ही बात हुई थी कि मैं पे मेरी बात होती रहती ना आपसे। जी जी जी, आज मिले आप पहली बार, आपका अनुभव बताओ एकदम प्योर। आज मैं सामने खड़ा हूँ, इस सामने खड़े हो, गड़बड़ है तो पकड़ लेना इधर ही, गड़बड़ को मैं पकड़ लेता हूँ। मैं कभी किसी का हमला अगला पेट नहीं करते, जो सच है सच है बिल्कुल, चाहे कोई मंत्री हो संतरी उसके सामने मुंह पकह देनी बिल्कुल बिल्कुल, बेबाक कहनी है होना भी। आप बड़ी अच्छी चीज बताते हो, लोगों को भी प्रेरित करते हो, ये अपना ऑर्गेनिक के में ये कर लो, रासायनिक के लिए भी कम से कम रसायन यूज करो, जितना कम हो सके उतना अच्छा है। होता क्या भैया जी, अगर आप रासायनिक नहीं बताओगे ना तो भाग जाएगा किसान आपको, नहीं भाग, क्योंकि रसायन में फिर अगर एकदम रसायन छोड़ दिया तो उत्पादन आएगा नहीं जी, जी प्रोडक्शन आएगा नहीं। अब जो किसान जमीन तो थोड़ा सा यहाँ भी कर सकते हैं, इसकी पकड़ बहुत तगड़ी है। जो किसान जमीन किराए पे लेके कर रहा है उसका अगर आप इधर ही आ जाओ सर, एक साथ खड़े हो जाओ ना, अच्छा लगेगा। प्रोडक्शन नहीं आया जी तो वो फिर भाग जाएगा जी, वो भाग जाएगा। आप बोलते रहो, इसकी पकड़ 50 मीटर तक है, क्योंकि उसको चाहिएगा उत्पादन जी। हाँ, उसको हम ऑर्गेनिक के लिए जैविक में लाने के लिए धीरे धीरे प्रेरित करेंगे, मिक्सअप कर सकते हैं जी, क्योंकि हम भी पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं जी, गोल करपा अमृतम डी कंपोजर वगैरह। अरे जबरदस्त रिजल्ट है भाई साहब इसके, दुनिया पागल हो रखी है रसायन के चक्कर में। उसमें बाकी आप जैसे बताते रहते, इसमें खड़ मिला लीजिए, चूना मिला लीजिए, थोड़ा सेंधा नमक मिला लीजिए, तो ये काफी अच्छे हैं उनके साथ मिलकर जी। उनका रिजल्ट है, वीरेंद्र बोल रहा है भैया सबसे बढ़िया रिजल्ट है तुम्हारे खल वाले नुस्खे वाले का। हां नहीं, खल वाले का नुस्खा भी हम भिगो के आए हैं जी जी, अभी हम एक 1500-2000 लीटर की लगभग टंकी। अच्छा एक चीज सोचो, मुझे क्या मिलेगा आपको सरसों की खल बता के, नमक बेच के मुझे क्या मिला? मैं तो बेच नहीं रहा हूँ, मेरा मकसद है किसान उठ जाए। हाँ बिल्कुल, बस कहीं ना कहीं से। नहीं आप बेच नहीं रहे, क्योंकि देश सेवा का कीड़ा लगा हुआ है ना बचपन से ही है मेरे अंदर। 99 में जो लड़ाई देखी थी ना कारगिल की, तब से ये कीड़ा काटता था और ये खत्म नहीं होने वाला, मरता दम कीड़ा। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने देखो मेरी जमीन का पीएच, मेरे ट्यूबवेल का टीडीएस, मैंने आपसे बात की थी भाई आई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे आपको अगर बेचना होता तो मैं क्या बोलता? हाँ 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 लगाओ लगाओ। मैंने क्या बोला भाई? आपने कहा था इसमें होगा नहीं केला, मतलब ना 1000 TDS से ऊपर हम लोगों को रिकमेंडेशन मनाई की हुई है। वो अलग बात है कि कुदरत के कारण से आप डीकम्पोजर गोकर अमृतम चला के केला लगा लो। गोकर अमृत से मेरी जमीन का पिछले साल पीएच शायद 8 था जी, और मैंने अमब ने अभी मापा है उसका 7 आ गया। बताओ भाई अब तो एक नंबर होगी, आप केला लगा सकते हो। ट्यूबवेल के पानी का 2300 है अभी भी जी, लेकिन अगर पीएच कम है, पीएच कम आ गया चल जाएगा फिर, क्योंकि मैं हमने अभी मापा 8-8.5 पीएच था। अब मेरी जमीन का मैंने पिछले साल खूब चलाया धान में, गोकर अमृतम ये खूब बाया, उसका पीएच टूट गया। अब पीएच टूटने पर मैं उसमें और भी क्रॉप ले सकता हूँ। सीधी सी बात है, पीएच टूटने का मतलब क्या है? दो कणों के बीच का जो सघनता है वो दूर हो गई, अब उसके अंदर जड़ें अच्छे से चल सकती हैं, फर्टिलाइजर एकदम से उठाएगा, आदमी का पेट ठीक कर दिया आपने। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े उसका पीएच टूटा। देखो यार भविष्य तो इधर ही है, आज नहीं तो कल तो उधर ही पड़ेगा। नहीं भविष्य तो है, क्योंकि देखो बीमारियां रासायनिक में बहुत आ रही है भाई साहब। $5,000 ट्रिलियन इतने रुपए का हम पेस्टिसाइड फेंक देते हैं इंडियन अपने खेतों के ऊपर, बिल्कुल फेंकते हैं, हमने यही देख के। और आपको पता है नुकसान क्या चीज देती है? मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या सोचते हैं कि यूरिया डीएपी पोटास नुकसानदायक है, बिल्कुल भी नहीं है। सल्फर नुकसानदायक है, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्टली और सेकेंडरी देखो न्यूट्रिएंट्स कभी भी नुकसानदायक नहीं है, उसको देने का तरीका गलत है किसान का, डायरेक्ट मत दो। किसान तो अपने पुराने डर्रे पे चल रहा है। लेकिन आपको नुकसानदायक क्या देता है मैं आपको आज ही बता देता हूँ, जिसके पीछे साइड लगा हुआ है। किसान तो अपने पुराने डर्रे पे चल रहा है, वीडी साइड, हर्बी साइड, पेस्टी साइड, जहाँ पे साइड लगाया उसको नमस्ते कर दो।
अच्छा एक बात और राहुल भाई साहब, कि पेस्टिसाइड ये जो कंपनियां ना तो गवर्नमेंट बताती, हमें बताएगी गवर्नमेंट, ये कहती है किसान की आमदनी डबल होगी, मैंने कहा किसान मर गया, क्यों मर गया, क्या एमआरपी 600 है वो दे रहा है भाई, चलो तेरे को 550 में दे दी, 500 में दे दी, और उसका हकीकत में मूल्य 100 रुपये हो, कितना मुनाफा कमा रही है। या तो सरकार एक चीज इनको फिक्स करे, नहीं तो बेवकूफ बनाना बंद करे। मैंने अभी भी देखा है 600 रुपये भले 300 में दे देंगे, भाई आधे रुपये में कैसे दे रहा है, इसका मतलब और भी मुनाफा है तेरे को। बिल्कुल सीधी सी बात, सरकार दे रही है बेचो, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि कहां क्या हो रहा है। इनके डीएपी के यूरिया के रेट फिक्स कर, मैं आपको अपने जिले की बताऊं, बिजनौर जिले की बात, मेरे जिले में आप भ्रष्टाचार करके दिखाओ, मेरे यहाँ का जिला कृषि अधिकारी डीएम साहब इतना टाइट है ना भाई साहब, आप देखते रहते हैं वीडियो पे देखता हूँ। अरे मेरा डीएम साहब खेत में खड़ा होता है, ऑफिस में कम बैठता है, दिल्ली में कोई डीएम किसी को मतलब नहीं है, भाई साहब उठा कर ले जाएंगे। मेरे यहाँ पे जिसने गलत कर दिया खेती, मतलब किसान के साथ, अभी एक पीछे कोई डीएपी बना रहा था कुछ पोटास नकली, एक तो पटा पेला दो दिन तक भाई हिसाब भी ना पूछे, और भाई साहब तक भी बाहर नहीं है वो आदमी। यहाँ वो चीजें नहीं है, यहाँ तो आप बेच रहे हो धड़ल्ले से बेचो किसी कृषि क्यों, यहाँ तो दूसरी भी लड़ाई चल रही है, यहाँ भी एक कारगिल वार चल रहा है सरकारों भी, तो किसान इसमें पिस रहा है, किसान का बेचारा का कोई है ही ना, हर आदमी हमें झंडा लेकर नहीं झंडा लेकर झंडा लेकर खड़ा कर दे, ट्रैक्टर मंगवा ले हमसे घर से, दूध ले आइयो ये ले आना, और हमारे ऊपर राजनीति करी, और हमारा कभी काम हुआ पर्सनली, मैं तुम्हें कैमरे के बाद एक अपना लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरे साथ क्या घटना घटी, तब से मेरा इनसे मन हट गया नेताओं से, मैंने अपना भी हट चुका, मैं तो जाता ही नहीं कहीं, नजदीक से जुड़ा हूँ लेकिन इनसे मन ही हट गया। अब किसान इन्होंने बर्बाद कर दिया, ये सिर्फ ढकोसले दिखाते हैं, अब मकसद है हमारा, देखो किसान, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसान को किसान के साथ जुड़ना पड़ेगा, बाकी को तो छोड़, बीज खाद वाले की दुकान पर चले जाओ ये खा लेते हैं, तो उससे बचने से अच्छा अपना जैविक में आ जाओ, जैविक में आ जाओ, या जैविक में कैसे आना है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको धीरे धीरे 3-4 साल में बिरिंदर को मैं अगले साल फ्री करा दूंगा चिड़िया फ्रीज की। नहीं अब ठीक है, हमने खड़ है, खड़ बिरिंदर से उठा लेते हैं, जाने दे खड़ आ जाती तो और अच्छा, खल में फायदा होगा कि नहीं, किसान सरसों लगाएगा खल बची अपने खेत में यूज कर तो पैसा बचा कि नहीं बचा। नहीं मेरे एक साथी है जी, वो 8-10 एकड़ सरसों बोते हैं, प्रदीप है यही सुल्तानपुर डबा जी जी जी, अब वो बोले मैं जितनी खल बची, हालांकि वो पशु नहीं रखते जी जी, लेकिन बोला जितनी खड़ बची सारी को धान में इनमें सारी को क्रॉप में डाल, उसी से खेती हो जाएगी भाई साहब, बोला भाई इसी से डालूंगा, पिछले साल हमारी बुद्धि पर रखी है, हमें लग रहा है कि बस ये डिब्बे में ही सब कुछ जादू है, ना डिब्बे में कुछ नहीं, खल में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मैं भी 2-3 साल से हम यूज कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा ही, लेकिन लोग हंसते हैं भाई खल डालने से क्या होगा। मेरा मकसद क्या है भैया जी, कि आप पहले साल अगर 50 किलो डीएपी यूज कर रहे हैं तो मैं आपको पहले साल 25 पे ले आऊंगा, अगले साल 12 पे, और तीसरे साल ना करवा दूंगा, ये वीरेंद्र एक तो आपका उत्पादन नहीं गिरेगा जमीन का, देखो अगर आपकी जमीन का कार्बन बढ़ रहा है और आप खेती कर रहे हो तो जिस डर्रे पे कर रहे हो वो डर्रा सही है, लेकिन हो क्या रहा है, हमारा लोग बेवकूफ बना के शीशियां बेच के फसल की यील्ड तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब जमीन का कार्बन फिर नीचे चला गया, मतलब कुल मिला करके एक तो होता है दूध के साथ बॉडी बनानी, एक होती है दारू के साथ ताकत लानी, तो क्वार्टर मारा बंदे में लगा कि मिस्से बड़ा बादशाह कौन, फावड़े से भाई साहब 4 डोल डाल देगा, दूध वाला नहीं डाल पाएगा, लेकिन मर तो जाएगा 4-5 क्वार्टर के बाद, खत्म उसकी कहानी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही जमीन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है केमिकलों के को लेकर के। अभी वीरेंद्र का ये है, कोई बताएगा इसको कि ये केला जो है अभी 25 दिन का केला हुआ है, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है, बढ़िया। अभी ये जैसे वीरेंद्र जी का गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे के अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर आप केवल जो है 10 किलो पोटास 10 किलो डीएपी छोड़ दो, इसको जब आप टेस्ट कर रहा होगा ना ये कुंटलों में तब्दील हो जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर। अब चलाओ इसको 4 एकड़ में, डीएपी यूरिया पोटास ये भोजन है, भोजन के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन बॉन्डिंग तोड़ के देने के लिए बताया गया था। हमारे यहाँ क्या हुआ, पैसे के लालच में डायरेक्ट डालो डायरेक्ट, अच्छा शुरू में तो इसने बॉन्डिंग तोड़ दी बिल्कुल, क्योंकि जमीन में यहाँ माइक्रोब्स इतने थे, हमारी भारत की जमीन से बड़े जमीन ही नहीं थी, कार्बन जब आए थे हमारे देश का जो कॉमन कार्बन था वो 2 था, 1962 के आसपास आए, मेरा तो उस टाइम तक आता पता भी नहीं था कहीं, तो उस समय में ये जब आए थे तो लोग बोलते थे कि खेतों में फेंक के चले जाते थे रात को चुपचाप, और फिर आके बोलते थे 15 दिन बाद देख तेरी फसल बढ़ी, अब हमने ये डाला, उस समय 5 किलो डीएपी से 1 एकड़ में काम होता था, आज क्या स्थिति है, आज तो भैया कई कई दो दो बोरी डाल रहे हैं। अब इसका सिंपल सा लॉजिक समझ लो, लॉजिक क्या है, जमीन में पहले बहुत ज्यादा माइक्रोब्स थे तो बॉन्डिंग तुरंत टूटती थी, अब वो धीरे धीरे माइक्रोब्स खत्म होते चले गए, फर्टिलाइजर बढ़ता चला गया, अब वो तोड़ने वाले ही नहीं बचे भाई, 10 आदमी मिलकर एक पत्थर तोड़ रहे हैं तो धज्जियां उड़ा देंगे 2-4 मिनटों में ही बिल्कुल, और अब जब एक आदमी मिलकर 50 पत्थर तोड़ रहा है तो कैसे धज्जियां उड़ा देगा, वो स्थिति खेत की हो रही है, वो माइक्रोब्स कम हो गए, माइक्रोब्स को बढ़ा लो खेल खत्म, बढ़ाएं कैसे,
कि भैया इसको आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी बॉन्डिंग तोड़ने वाली, बॉन्डिंग तोड़ दो खेत में डाल दो, पैसे बच गए, कहानी खत्म। माइक्रो न्यूट्रन की जरूरत पड़ रही है तो आप ये सरसों के खल ले लो, डिकम्पोजर चलाओ, गोबर चलाओ, नहीं चला सकते बाबू जी है तो भैया फिर तुम्हारे लिए दुकानें हैं, फिर दो दुकानें जाओ आराम से। इसमें जो है भाई साहब एक चीज और ही बताऊंगा, इसमें भ्रम भी काफी है जी। जैसे एक तो जो मैंने रेसिड्यू फ्री शुरुआत की थी जी, तो उस टाइम पे मेरे को ये सुनने में आया कि ये खाद इसमें तो मिट्टी मिला दी तो इसमें तो जान ही खत्म होगी। अच्छा, दूसरा जो है कई साल पहले जब मेरा आपसे जुड़ाव नहीं था जी, तो मेरे को तब भी कभी पता चला था कि आप सरसों के खड़े का इस्तेमाल करो जी, तो उस टाइम पे ये बोला गया मतलब बार मतलब सुनने में एक बार आपने कर दिया तो बहुत ज्यादा आओगी, अगले साल फसल नहीं होगी उसमें, तो मैंने फिर नहीं करा भैया ऐसा, इसे क्यों करना जो अगले साल नहीं आओगी। लोग भैया वो क्यों कहते हैं ऐसा, उन्हें पता है कि तुम सरसों के खल पे आ गए तो उनके दुकान बंद हो जाएगी भाई साहब। हिंदुस्तान को खाना, मैं भरम भी बता रहा हूँ, भरम भी बहुत है, मतलब इंसान फिर डर जाए, किसान किसान को खाएंगे, इसीलिए तो हम आपके साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए, चोर कभी खेत में आएगा किसी के? बिल्कुल, तो ये जो मैं तो पकड़ पकड़ के किसान के घर जाता हूँ, आपने मुझे बुलाया था कि मैं आया, आप खुद आए हो। मैं बोला वीरेंद्र भाई मुझे तुम्हारे आना रास्ता बताओ। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो कही रहा था ये बोले भाई हम आना था, अरे मकार बुलाओ तो सही, वही यूपी में इधर घूमते रहे इधर ताने दो। नहीं नहीं, इसमें हरियाणा में देखो, दिल्ली में भी खेती हो, हरियाणा तो बॉर्डर कूद गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली है भाई, मैं तो जो हूँ मैं तो पूरे हिंदुस्तान का हूँ ना, मैं यूपी का हूँ, मैं तो सबके लिए बंदूक ठाक भैया, मैं तो जीवन भर वो पहाड़ों पर जो पैदल चलाऊ ना पिट्टू लगा के, तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे के लिए चलाऊ तिरंगे के लिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है, पर आपने जो बता रहे हो बहुत अच्छा बता रहे हो, लोगों को प्रेरित होना भी चाहिए इस चीज से, प्रेरित कर रहे हो। इसमें मैं एक बात कहूंगा, जैसे आपके माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं तो आधा एकड़ एक एकड़ का प्रयोग जरूर करके देख रहे हैं। बिल्कुल, चाहे बीघे में कर लो। हाँ, क्योंकि सब एक बार तो आएंगे नहीं, मैं भी नहीं आया था, हमने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग करते रहना चाहिए, प्रयोग का नाम खेत में हो तो प्रयोग है, किसी में भी आंख मूंद का विश्वास मत करो। बिल्कुल, लेकिन अगर रिजल्ट है तो फिर आवाज भी उठानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके साथ जाओ, अपना फायदा लेगा, घर में घुस गए उसका कोई फायदा। देखो वीरेंद्र भाई, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने हजारों लाखों लोगों, मुझे याद नहीं मैं कितनों के खेत में गया हूँ, और मैं लोगों से कैमरा बंद करके आराम से, आदमी कैमरा के सामने नहीं बताता, उसकी डोल पर बैठ के बात करी, तो मेरे पास इतने लोगों के तजुर्बे हैं। अब ये जब तजुर्बों का मट्ठा बन गया इकट्ठा कर करके, अब ये मट्ठा भी तो लोगों को पिलाना पड़ेगा, मैं इसको बस यो मेरे अंदर थोड़ा भगवान ने अच्छी दिल दिया है और दिमाग दिया कि वो चीज़ें मुझे याद रहती हैं, और अब मैं इनको लोगों को बताना शुरू कर दिया। जैसे आपने कोई चीज़ बताई, अब मैं इसको क्या करूँगा, घर जाकर चुपचाप करूँगा, पहले थोड़े से हिस्से में मैंने अपने 2-3 एकड़ जमीन का ऐसे ना संभाल रखा, उसमें केवल प्रैक्टिकल चलते हैं और उसे मैं ही छेड़ता हूँ और कोई नहीं। या मेरा एक लड़का है सचिन, उसको पता है इसमें भैया ने क्या बोला है, वो प्रैक्टिकल आज भी चल रहा है, एक प्रैक्टिकल कल बता के आया था, ये कर इसका रिजल्ट बता मुझे, बोला भैया क्या उनसे क्या क्या करना, मगर वो मैं तुझे अलग अलग समझा दूंगा। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ, जब मेरा रिजल्ट आ गया फिर मैं उसको खुल के दिल खोल के फिर छाती ठोक के बोलता हूँ कि ये करो। अभी मेरे एक भाई से बहस हो गई, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा एग्रोनॉमिस्ट बताते हैं, उन्होंने बोला जी वो फिट करेगा स्प्रे, हमारे गांव में 3-4 लोगों ने करा ग्रुप में, इतना बड़ा आदमी के मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, और साहब उनकी फसल जल गई, आप ये कभी मत करना किसानों को, उन्होंने बोला। मैं बोला जिसकी फसल जल गई मेरा मोबाइल नंबर लिखो, और मैं सार्वजनिक आदमी हूँ, मेरा अकाउंट नंबर लिखो, मुझे अपना वो भेज देना अकाउंट नंबर, अगर मैंने तुम्हारे पैसे नहीं डाल दिए नगद तो मेरी गारंटी। भाई यार क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोगों का, 150 ग्राम फिट करी, 20 किलो मिट्टी और 1 किलो गुड़ डाल के स्प्रे करी, ऐसे की तेजी फसल की, अगर थाला कीड़ा दौरा लग गया तो मेरी गारंटी। भाई साहब मैं लाखों लोगों को करा चुका। नहीं भाई साहब क्या है आजकल ये कुछ यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने व्यूअर्स बढ़ाने, अरे यूट्यूबर की तो बात कर रहा हूँ मैं, वो मुझसे ऐड किया अपने ग्रुप में, वो क्या कह रहे हैं भाई फिटकरी डालोगे ये हो जाएगा, अरे कर भाई करो तो सही, कम से कम एक टंकी में कर लो। डाली है पिछली बार खेतों में डाली थी धानों में, रिजल्ट आया कि नहीं? रिजल्ट था, और सुनो उसमें तो पहली बार लगाया था बिल्कुल खारा पानी, वही 23 धान लगा रखे थे हमने, पीएच डाउन कर, पीएच वो सुनो पीएच भी डाउन हुआ, लेकिन उसमें ये था वो करपा अमृत वगैरह नहीं चल पाया, लेकिन दूसरी जमीन में मैंने करा भाई, हमने भाई ने अपने ने वहाँ पीएच नापा, बोला अभी 7 पीएच तो वो ओके होगी जमीन, आपके पानी का टीडीए ज्यादा है ना, पानी का टीडीए तो ट्यूबवेल के मुंह पे 1/2 किलो फिट करी बांध दो, 2 एकड़ में जाने दो इसको, डालते हैं डालते, देखो 7 के 7 कैसे उसको डिसॉल्व करता है। हम लोग नागालैंड में थे तो वहां पे नदी का पानी आता था हमारे पीने के लिए, अब यार वो पानी ऐसा है जो ओढ़ का पानी है, पिए तो कैसे पिए, तो हो जाए हम पहले पानी भरते थे फिर उसके अंदर फिट करी एक मुट्ठी फेंक के मारी, और भाई साहब वो मट्टी नीचे और पानी ऊपर, और फिर इस पानी को लेकर हम डिस्टिल वाटर की गोलियां आती थी वो डाल के, तब ये पानी हमने जीवन बड़े कष्ट से भुगते हैं यार, मेंढा घड़ा हटा का पानी पिए। नहीं अभी आप बता रहे थे कितने किलो गुड़ में, अभी हम लोगों को बताएंगे गुड़ मिला के 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी हो गया, 1 किलो गुड़ 150 ग्राम फिट करी, 200 ग्राम भी ले सकते हो, देखो ले 400 तक सकते हो लेकिन लेना नहीं, लेना नहीं, लेना 150 ग्राम है,
और उसके अंदर आपने लेना है 20 किलो मिट्टी। मिट्टी आपने कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। भैया इसको पकड़ना जरा, ये जैसे आपका खेत है यहाँ पे, अब वीरेंद्र का ट्रैक्टर यहाँ बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल इस जगह पे है नहीं, और आता भी है तो छोड़ दो इस जगह को। आपने यहाँ पे क्या करना है, गड्ढा खोद लेना है 5 फीट गहरा, चौड़ा कितना वो फावड़ा दियो वीरेंद्र जरा, लगभग इतना कि मैं इसमें अंदर घुस के बाहर आ जाऊं, ऐसा ना पड़े मुझे आवाज मार के पड़ोसियों को बुलाना पड़े कि भाई जरा मुझे बाहर निकाल दे। ये मैं गड्ढे वाली वीडियो को यहाँ से स्टॉप करता हूँ, इसके बाद फिर दूसरे चरण में आपको सेकंड वीडियो में दिखाता हूँ। भैया इसको स्टॉप कर दो, बंद ही कर दो।